हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके दो प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन शेप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए एक्स और वाई एक्सिस दिया है रेफरेंस एक्सिस, इसी के अलावा हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट मींस MI फाइंड आउट करना है। यहां टोटल कितने शेप्स दिए हैं, दो शेप्स दिए हैं और दोनों के दोनों रेक्टेंगल है, एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है और एक वर्टिकल रेक्टेंगल है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने यूज किए थे। इट मींस हम इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे, पहला रहेगा लॉन्ग कट मेथड और दूसरा रहेगा शॉर्टकट मेथड। जाहिर सी बात है लॉन्ग कट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा और शॉर्टकट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने में कम समय लगेगा। और यहां पे हम दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो प्रॉब्लम्स लिए थे उसको भी हमने दो मेथड से सॉल्व किए थे। हम ये दोनों मेथड्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मेथड दी है। कुछ बुक्स में पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व किया है तो वही प्रॉब्लम को दूसरे कुछ बुक्स में शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है। तो दोनों मेथड की जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम इसको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करना है तो ये एक फिक्स पैटर्न आपके सामने है, ये पैटर्न के थ्रू आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। और जब हम इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी एक फिक्स पैटर्न रहेगा। इसके पहले जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दो प्रॉब्लम्स लिए थे वहां पे भी हमने यही पैटर्न का यूज किया है। कोई भी प्रॉब्लम हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, चाहे वहां दो शेप्स हो, तीन शेप्स हो, चार हो, पांच हो, कितने भी शेप्स हो, शेडेड हो, अनशेडेड हो, कोई भी टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम हो, अगर आपको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करना है तो यही एक पैटर्न रहेगा। देखिए पैटर्न में हमने यहां पे क्या क्या लिखा है, जैसे यहां पे दो शेप्स है, हमने आपको कहा था दोनों रेक्टेंगल है तो दोनों रेक्टेंगल इट मींस दोनों शेप्स को हमने यहां पे वन बाय वन लिया है। ये जो रेक्टेंगल है ऊपर का, ये ऊपर के रेक्टेंगल को हमने रेक्टेंगल वन कहा और ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल को हमने रेक्टेंगल टू कहा। तो ये जो ऊपर का रेक्टेंगल है देखिए यहां से हम इसको डिवाइड कर देंगे। देखिए यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा ऊपर का रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो वो रेक्टेंगल का पैटर्न हमने यहां लिखा है। इसके थ्रू हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और ये रेक्टेंगल जो है इसका, ये देखिए यहां पे हमने पैटर्न लिख के रखा है और यहां पे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और बाद में फिर दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो यहां पे देखिए पैटर्न में हमने क्या क्या लिखा है, ये जो रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में आई एक्स वन आई वाई वन, ठीक है, देन आई एक्स एक्स वन आई वाई वाई वन। उसी तरह से ये रेक्टेंगल में देखिए आई एक्स टू आई वाई टू, देन आई एक्स एक्स टू आई वाई वाई टू। अब ये आई एक्स वन आई एक्स टू ये सब क्या है, आई वाई वन आई वाई टू क्या है, तो ये काफी आसान है, ये सेंट्रोडल एक्सिस का MI है। देखिए ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का सेंटर यहां कहीं ना कहीं होगा, ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का सेंटर यहां कहीं ना कहीं होगा, तो ये सेंटर से जब हम एक्सिस निकालेंगे तो वो एक्सिस को कहेंगे सेंट्रोडल एक्सिस। तो ये देखिए ये सेंटर से हमने यहां पे एक्सिस निकाले, ये एक्सिस को कहेंगे x1 और ये एक्सिस को कहेंगे y1। ये सेंटर से हमने दो एक्सिस निकाले, यहां पे भी ये सेंटर हमने लिए, ये सेंटर से हम यहां दो एक्सिस निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मतलब y एक्सिस। तो ये है x2 और ये है y2 और ये सेंटर से हमने निकाले, सेंटर से ये एक्सिस निकल रही है इसलिए ये एक्सिस को सेंट्रोडल एक्सिस कहेंगे। तो ये दोनों सेंट्रोडल एक्सिस है और ये भी दोनों सेंट्रोडल एक्सिस है। और रूल के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो पैटर्न जो हमने लिखा है, पैटर्न के तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो ये पैटर्न में आपको यहां पे आई एक्स वन आई वाई वन पहले दिखाई दे रहा है। आई एक्स वन मतलब MI अलॉन्ग एक्स वन एक्सिस, आई वाई वन मतलब MI अलॉन्ग वाई वन एक्सिस। मतलब पहले सेंट्रोडल एक्सिस का MI निकालना है, बाद में रेफरेंस एक्सिस का MI निकालना है। तो यहां पे पहले सेंट्रोडल एक्सिस का MI निकालेंगे इसके थ्रू और फिर यहां पे हम रेफरेंस एक्सिस के अलोंग MI निकालेंगे। और रेफरेंस एक्सिस के अलोंग MI निकालने के लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे। x और x1 के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और उसके थ्रू MI निकलेगा आई एक्स एक्स वन।
ठीक है, देन y और y1 के बीच में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और इसके थ्रू जो mi मिलेगा वो रहेगा आई वाई वाई वन। तो ये रहेगा ये रेक्टेंगल का, बिल्कुल ऐसा ही ये रेक्टेंगल का भी है, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहां पे x2 y2 है, बस वहां पे अपडेट किया है, बाकी पूरा सेम पैटर्न है। और फिर लास्ट में हमने जैसा कहा था कि दोनों का mi आपको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे, तो इसका ixx1 और इसका ixx2 दोनों का ixx ऐड करेंगे तो फाइनल ix मिलेगा। देखो यहां पे हमने वो स्टेप लिख के रखा है, ये देखिए ये हमें ix मिलेगा दोनों का ixx ऐड करने पर। और फिर उसी तरह से इसका iyy और इसका iyy दोनों को iyy ऐड करो तो यहां पे फाइनल iy मिलेगा, इट मींस फाइनली हमें यहां पे ix iy मिल जाएगा, इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस। तो इस तरह से ये सॉल्व करना होता है और ये लॉन्ग कट मेथड है। लेकिन लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करना हो या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करना हो, आपको दो चीजें आना चाहिए। वो क्या है, सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आना चाहिए कोई भी शेप का, और दूसरा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फॉर्मूले पता होना चाहिए। अगर ये दो चीजें पता है तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लॉन्ग कट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी, और इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये दो चीजें पता होना चाहिए, क्या क्या कहा, सबसे पहले आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आना चाहिए और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फॉर्मूले पता होना चाहिए। इसके पहले ऑलरेडी हमने सेंट्रॉइड के कुछ प्रॉब्लम्स लिए थे, वहां से आप सेंट्रॉइड की प्रैक्टिस करो। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाए थे जो कि फर्स्ट लेक्चर था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो आप स्टडी कर लीजिए, सभी फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। तो चलो फिलहाल हम यहां पे अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमें पहला ये जो रेक्टेंगल है इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो ये रेक्टेंगल का बेस और हाइट क्या है, तो देखो ये रेक्टेंगल का बेस है 120 और हाइट है 20, तो हम यहां लिखेंगे बेस कितना 120 mm में है और ये हाइट है 20। अब इसका हमें एरिया x और y पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। एरिया यहां पे कितना निकलेगा, इसका एरिया दैट इज बेस इनटू हाइट करो तो ये होगा 12 × 2 = 24 और इसमें दो जीरो और लगा दो तो ये हमने एरिया लिख दिए, ठीक है। देन हमें x और y फाइंड आउट करना है, तो चलो x और y की तरफ बढ़ते हैं। x अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका x रहेगा 60 mm और इसका y रहेगा, y कितना रहेगा यहां पे 130 10, तो ये होगा 140 mm। तो हमने जैसा कहा था कि आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते आना चाहिए, तो ये देखिए सेंट्रॉइड का x और y, ये आपको सेंट्रॉइड में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिना सेंट्रॉइड के ना ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आएगा, ना ही आपको प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया समझ में आएगा, चाहे आप लॉन्ग कट मेथड का यूज करो चाहे आप शॉर्टकट मेथड का यूज करो। इसलिए पहले सेंट्रॉइड की प्रैक्टिस करो। तो ये देखिए फाइनली हमने ये रेक्टेंगल का एक्स और वाई फाइंड आउट कर लिया, इट मीन सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लिए। एक्स हमने 60 निकाले, कैसे 60, तो यहां देखिए ये यहां से लेके इधर का डिस्टेंस 60 हो जाएगा, दैट इज बेस बाय 2, बेस 120 है तो 120/2 करेंगे तो वो हो जाएगा 60। यहां से लेके इधर का ये है x और यहां से लेके नीचे का ये है पूरा y, तो x निकालने के लिए हमने base by 2 करे, 120/2 60 हो गया, और y निकालने के लिए हमने सबसे पहले ये height by 2 करे, height है 20/2 करे तो ये हो जाएगा 10 प्लस नीचे का 130, क्योंकि यहां देखो 130 दिया है तो यहां पे 10 प्लस 130 तो ये हो गया 140। तो फाइनली हमने x और y यहां पे फाइंड आउट कर लिए और अब इसी का यूज करके हम ये पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ix1 iy1, ix1 माने हम क्या बताए थे, ix1 माने mi along centroidal x1 axis और iy1 माने mi along centroidal y1 axis, और फार्मूला क्या है BH³/12, b माने बेस, बेस है 120 into h माने हाइट, 20³/12 यहां पे 12, ठीक है BH³/12, और यहां पे HB³/12 करना है, मतलब इसको उल्टा करना है 20 × 120³/12, और इसका आंसर जो है हमें सॉल्व करना है और कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर में हम इसको लिखेंगे, काफी लंबा आंसर आएगा तो हम इसको × 10⁻² के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां पे 120 × 20³/12 तो ये आंसर आ चुका है 80,000, तो ये हम लिखेंगे 80,000 mm टू द पावर 4, ठीक है। देन हम नेक्स्ट यहां पे चेंजेस करेंगे 20 × 120³, तो ये होगा 28, दैट इज 288, काफी लंबा आंसर है 288, और यहां पे आगे चार जीरो है, तो एक काम करेंगे 288 × 10⁴ कर लेंगे mm टू द पावर 4। यहां पे भी आप लिख सकते हैं 8 × 10⁴, ऐसा आप लिख सकते हैं, काफी लंबा अगर आंसर हो तो हमेशा आपको × 10⁻² के फॉर्म में आपको लिखना है।
तो यहां पे सेंट्रोडल एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट कर लिए। सेंट्रोडल एक्सिस है x1 y1 और इसके अलावा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ix1 और iy1। और यहां पे यूनिट देखो mm टू द पावर 4 है, क्योंकि यहां पे mm में दिया है, इसलिए अगर सेंटीमीटर में दिया होता तो सेंटीमीटर टू द पावर 4 लिखना है, मीटर में दिया होता तो मीटर टू द पावर 4 लिखना है। तो ये हमने सेंट्रोडल एक्सिस का mi निकाल लिए और अब हमें रेफरेंस एक्सिस के अलावा फाइंड आउट करना है x और y एक्सिस के अलावा, और उसके लिए हमने कहा था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना है। तो ये देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इक्वेशंस हमने यहां पे लिख के रखा है। x और x1 के बीच में जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा ix x1, और y1 के बीच में जब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो रहेगा iy y1। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमेशा दो पैरेलल एक्सिस के बीच में लगता है, ये x और x1 पैरेलल है इसलिए यहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं, और y और y1 भी पैरेलल है इसलिए यहां पे भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं। और इनकी इक्वेशंस आपके सामने हैं, यहां पे जो कुछ भी आपने फाइंड आउट किया है बस यहां पे पुट करो तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसका इक्वेशन है ix1 plus al square। ix1 मतलब ये जो आपने फाइंड आउट किए हैं 8 into 10 to the power 4 plus a माने एरिया, ये देखिए एरिया 2400 into l। अब यहां पे l माने लेंथ का वैल्यू क्या लिखना है वो भी हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद लिखते हैं, पहले यहां का इक्वेशन हम बना देंगे। देखो iy1 plus al square, iy1 हमने यहां पे फाइंड आउट किए दैट इज 288 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस ए माने एरिया 2400। और अब देखो यहां पे भी हमें लेंथ लिखना है, तो देखो यहां पे हम लेंथ अभी लिख रहे हैं, तो लेंथ लिखना काफी आसान है, जो इसके पहले के वीडियो में हमने बताए थे बिल्कुल वही टेक्निक है। क्या करना है, जब भी आप एक्स एक्स के लिए सॉल्व करते हैं तो वाई का लेंथ लिखो, और जब भी आप वाई वाई के लिए सॉल्व करते हैं तो एक्स का लेंथ लिखो, ठीक है। तो ये देखिए यहां पे आप एक्स एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहां वाई का लेंथ लिखो, और यहां वाई वाई के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स का लेंथ लिखो, बस ये उल्टा रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो यहां एक्स एक्स के लिए वाई का लेंथ क्या है 140, तो यहां पे वाई का लेंथ हम यहां लिखेंगे 140 का स्क्वायर, और यहां पे वाई वाई के लिए सॉल्व करें तो एक्स का लेंथ क्या है 60, तो यहां लिखेंगे हम 60 का स्क्वायर, और बस इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है और देखते हैं कि यहां पे आंसर क्या आता है। और इसको हम लिखेंगे इक्वेशन को 8 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 2400 इंटू 140 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ चुका है, काफी लंबा है, हम इसको इंटू 10 टू द पावर के फॉर्म में लिखेंगे 47.12 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, और इंटू 10 टू द पावर करने के लिए यहां पे देखो कैलकुलेटर में ENG का बटन होगा, ENG देखो यहां पे 8 के ऊपर यहां पे ENG का बटन है, बस ये बटन को आप प्रेस करो, आप जितने बार प्रेस करोगे उतने बार यहां पे पॉइंट जो है वो आगे पीछे होगा, और 10 टू द पावर कभी 4 के फॉर्म में आएगा, कभी 10 टू द पावर 3 के फॉर्म में आएगा, कभी 10 टू द पावर 6 के फॉर्म में आएगा, जितने बार आप ENG बटन प्रेस करोगे उतने बार वो पॉइंट चेंज होते रहेगा। तो ये हमने 10 टू द पावर 6 के फॉर्म में हमने लिखा है, और अब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, तो यहां पे 288 इंटू यहां पे 288 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 2400 इंटू 60 का स्क्वायर, तो ये आ चुका है, हम इसको भी लिखेंगे 11.52 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो फाइनली हमने ऊपर के रेक्टेंगल को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है, और ये रेक्टेंगल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। बिल्कुल ऐसा ही डुप्लीकेट हमें ये रेक्टेंगल को भी सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न आपके सामने है। तो चलो अब ये रेक्टेंगल को हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये रेक्टेंगल आपके सामने है। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का यहां पे बेस और हाइट लिखना है, रेक्टेंगल का बेस यहां पे 20 और हाइट है 130। बस ये रेक्टेंगल का पहले एरिया एक्स वाई निकाल लो, जैसे हमने यहां फाइंड आउट किए थे एरिया कितना होगा इसका, इसका एरिया होगा दैट इज बेस इंटू हाइट करो तो ये होगा 2600 mm स्क्वायर। और अब एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, तो एक्स उतना ही रहेगा जितना इसका एक्स था वो है 60 mm, और y रहेगा दैट इज हाइट बाय 2 दैट इज 65 mm। आपको सेंट्रॉइड की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम में कोई भी शेप का सेंट्रॉइड आपको तुरंत फाइंड आउट करते आना चाहिए। ये देखिए ये ऊपर के रेक्टेंगल का सेंटर यहां रहेगा और बीच के रेक्टेंगल का सेंटर भी यहां रहेगा, तो दोनों का सेंटर एक ही वर्टिकल लाइन में है क्योंकि ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ऐसे में दोनों का एक्स यहां पे सेम रहेगा, जितना इसका एक्स था उतना ही इसका एक्स रहेगा वो हमने लिख दिए। और वाई के लिए हमने हाइट बाय 2 किए, हाइट कितना है देखो 130 है, तो हाइट बाय 2 करो 130 बाय 2 तो वो होगा 65 mm। तो फाइनली हमने एरिया एक्स वाई तो निकाल लिए, और अब यहां पे हमें ये जो पैटर्न अप्लाई किए थे वही पैटर्न से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सेंट्रोडल एक्सिस का एम आई फाइंड आउट करना है, देन रेफरेंस एक्सिस का। तो सेंट्रोडल एक्सिस है एक्स टू वाई टू, इसका जो एम आई है वो है आई एक्स टू आई वाई टू, ठीक है, और रेफरेंस एक्सिस के अलॉन्ग एम आई उसके लिए ये है दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इक्वेशन। तो यहां पे फॉर्मूला है बी एच क्यूब बाय 12, तो बी है 20, एच है 130,
बी एच क्यूब बाय 12 और इसको सॉल्व करेंगे। फिर यहां पे इसको उल्टा करना है 130 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 12, तो यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। बी एच क्यूब बाय 12 और एच बी क्यूब बाय 12, तो ये हम लिखेंगे 20 इंटू 130 क्यूब, 130 क्यूब बाय 12, तो इसका आंसर काफी लंबा आंसर है, तो ये हम लिखेंगे 3.661 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे 130 इंटू यहां पे 20 क्यूब, 130 इंटू 20 क्यूब बाय 12, तो इसका आंसर आ चुका है दैट इज 86.666 इंटू 10 टू द पावर 3 mm टू द पावर 4। तो फाइनली हमने ये IX2 IY2 फाइंड आउट कर लिए, इट मींस हमने सेंट्रोडल एक्सिस के अलोंग MI यहां पे फाइंड आउट कर लिए। और अब रेफरेंस एक्सिस के अलोंग, तो उसके लिए आप X और X2 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो उसका MI यहां निकलेगा, और Y और Y2 के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ तो उसका MI यहां निकलेगा। तो इक्वेशन आपके सामने है, IX2 प्लस AL2, IX2 है 3.661 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस A माने एरिया, और यहां पे देखो XX के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो Y का लेंथ लिखो जैसा हमने कहा था। तो यहां पे देखो y का लेंथ हमने लिखे, हमने जैसा यहां पे बताए थे बिल्कुल वही टेक्निक है, जब आप xx के लिए सॉल्व कर रहे हो तो y का लेंथ लिखो और yy के लिए सॉल्व कर रहे हो तो x का लेंथ लिखो। तो हमने वही किया xx के लिए, ये y का लेंथ जो है हमने यहां पे लिखे, और अब इसको सॉल्व करेंगे हम बाद में, पहले हम यहां पे इक्वेशन बना लेते हैं। IY2 plus AL2, IY2 है 86.666 into 10 to the power 3 a माने एरिया, और यहां पे yy के लिए सॉल्व कर रहे हो तो x का लेंथ लिखो, वो कितना है 60 का स्क्वायर। और अब ये दोनों को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो ये हो रहा है दैट इज 3.661 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 2600 इंटू 65 का स्क्वायर, तो ये पहला आंसर आ चुका है, ये है 14.646 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, और दूसरा आएगा 86.666 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 2600 इंटू 60 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ चुका है दैट इज 9.446 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो फाइनली ये रेक्टेंगल को भी हमने सॉल्व कर लिए, और यहां पे भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, तो दोनों शेप्स को हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया है। और अब हमने जैसा कहा था कि दोनों शेप्स का MI अब हमें लास्ट में ऐड करना है, और फाइनल MI इट मींस फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस, तो उसके लिए हमने यहां पे कैलकुलेशन लिख के रखा है, सबसे पहले IX देन IY। तो IX के लिए आपको क्या करना है, दोनों का IXX ऐड करना है, इसका IXX1 प्लस इसका IXX2, तो वो हम लिखेंगे दैट इज 47.12 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस यहां पे नेक्स्ट है 14.646 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये दोनों का हम ऐड करेंगे, और अब हम IYY भी दोनों का ऐड कर लेंगे, तो इसका है दैट इज 11.52 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस देन इसका है 9.446 इंटू 10 टू द पावर 6, तो चलो देखते हैं दोनों को ऐड करने के बाद इसका आंसर क्या आता है। तो 47.12 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 14.646 इंटू 10 टू द पावर 6, तो ये आंसर आ चुका है दैट इज 61.766 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, और देन नीचे का आंसर आएगा 11.52 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 9.446 इंटू 10 टू द पावर यहां पे 6, तो दोनों को ऐड करने के बाद ये आंसर आ चुका है दैट इज 20.9666 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए, क्वेश्चन में कहा था कि ये पूरे शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, तो ये हमने देखिए एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट मींस IX IY वो हमने फाइंड आउट कर लिए, तो पूरा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, ये हमने पूरा लॉन्ग कट मेथड से अभी हमने सॉल्व किए हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कितना भी इजी हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, कितने भी शेप्स लेके हो, ये मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये लॉन्ग कट मेथड है। अब चलो यही प्रॉब्लम को हम शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने में जगह भी कम लगेगी और समय भी कम लगेगा, और शॉर्टकट मेथड यूज करते समय भी एक फिक्स पैटर्न होता है, वही फिक्स पैटर्न के थ्रू आपको हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो ये देखिए ये हमने फिक्स पैटर्न यहां लिख के रखा है, यही पैटर्न के थ्रू हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे, तो ये शॉर्टकट मेथड का पैटर्न है। इसके पहले हमने लॉन्ग कट मेथड को भी एक फिक्स पैटर्न के थ्रू सॉल्व किए थे,
और ये शॉर्टकट मेथड का पैटर्न, और इसका आंसर वही आएगा जो हमने लॉन्ग कट मेथड के थ्रू सॉल्व किए थे। देखिए लॉन्ग कट मेथड का यहां पे आंसर हमने ये बचा के रखे हैं, यही आंसर ये शॉर्टकट मेथड के थ्रू आने वाला है। तो यहां पे हमने क्या क्या लिखा है, देखिए दो शेप्स है, दोनों के दोनों रेक्टेंगल है, तो ये हमने सबसे पहले आई एक्स लिखे, देन हमने आई वाई लिखे। आई एक्स मतलब क्या, आई एक्स मतलब एम आई अलॉन्ग रेफरेंस एक्स एक्सिस, और आई वाई मतलब एम आई अलॉन्ग रेफरेंस वाई एक्सिस। इट मीन्स ये जो x और y एक्सिस है, इसी एक्सिस के अलॉन्ग आप डायरेक्ट mi फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहां पे हमने लिखा है mi ऑफ रेक्टेंगल 1 प्लस mi ऑफ रेक्टेंगल 2, यहां पे भी हमने वही स्टेप लिखा है। और यहां पे हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन लिखा है, आई एक्स प्लस एल स्क्वायर, यहां पे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इक्वेशन है, और यहां पे आई वाई प्लस एल स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम की इक्वेशन है। तो चलो अब हम यहां पे ये सॉल्व करेंगे। ये जो थर्ड स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमें इसका सभी वैल्यूज पुटअप करना है, तो यहां पे ब्रैकेट बन जाएगा, सभी का वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहां पे भी ब्रैकेट बनेगा, फिर हम यहां पे भी सॉल्व करके फाइनल आंसर चेक करेंगे। तो देखे यहां पे क्या आता है, लेकिन ये पैटर्न के थ्रू अगर आपको सॉल्व करना है, इट मीन्स शॉर्टकट टेक्निक के थ्रू अगर आपको सॉल्व करना है, तो उसके लिए भी आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट करते आना चाहिए और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सभी फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, तो ही आप प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो फाइनली अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहां पे कैसे सॉल्व होता है। यहां पे सबसे पहले तो ये देखिए, ये है एम आई ऑफ रेक्टेंगल 1, ये जो ऊपर का रेक्टेंगल है ये, तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ये दोनों शेप्स का, ये जो दो शेप्स है दोनों का x और y हम यहां पे लिख लेते हैं। देखिए ये जो ऊपर का रेक्टेंगल है, इसका x है दैट इज 60 और y है दैट इज कितना 140, और ये जो नीचे का रेक्टेंगल है इसका x है, इसका भी x है 60 और y है इसका दैट इज 65। देखो हमने थोड़ी देर पहले जो x और y लॉन्ग कट मेथड में हमने लिखे थे, वही x और y हमने दोनों शेप का यहां पे लिख दिए, क्योंकि उसी का यूज हमें यहां पे करना है। तो यहां पे mi ऑफ रेक्टेंगल 1, तो उसके लिए हमने ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन लिखा है। देखो रेक्टेंगल में आई एक्स प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगल का आई एक्स क्या होता है, बी एच क्यूब बाई 12, तो हम लिखेंगे बी एच क्यूब बाई 12, तो रेक्टेंगल 1, तो ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल 1 का बेस कितना है 120, तो 120 इंटू 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस a माने एरिया, एरिया कितना रेक्टेंगल 1 का, वो है 2400 इंटू, यहां पे लेंथ क्या लिखना है, तो जैसा हमने कहा था x के लिए जब भी आप सॉल्व करते हैं तो y का लेंथ लिखना है, तो y का लेंथ क्या है, ये रेक्टेंगल में y का लेंथ है 140, तो हम यहां पे लिखेंगे 140 का स्क्वायर, 140 का स्क्वायर। तो देखिए ये हमने पहला जो ब्रैकेट है वो हमने यहां बना लिए, पहला ब्रैकेट बनाना काफी आसान था। रेक्टेंगल में आई एक्स होता है बी एच क्यूब बाई 12, तो ये देखो बी एच क्यूब बाई 12, बी माने बेस, इसका बेस है 120 और हाइट है 20, तो बी एच क्यूब बाई 12, ए माने एरिया, ऊपर के रेक्टेंगल का एरिया 2400, और जो वाई का लेंथ है वो आपको लिखना है, वाई है 140, तो वो हमने लिखे, ठीक है। और अब उसी तरह से रेक्टेंगल 2 का आई एक्स प्लस एल स्क्योर, रेक्टेंगल का आई एक्स क्या होता है बी एच क्यूब बाई 12, मतलब ये रेक्टेंगल का बेस कितना 20 और हाइट 130, तो ये 20 इंटू 130 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, बी एच क्यूब बाई 12 हमने यहां पे लिख दिए। और अब प्लस ए माने एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना, वो होगा 2600, ठीक है, एरिया हमने लिख दिए। और अब यहां पे लेंथ लिखना है, लेंथ में आपको वाई का लेंथ लिखना है कितना, 65 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि हम यहां पे एक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको वाई का लेंथ लिखना है, यहां पे भी हमने लिखे और यहां पे भी हमने लिखे, वाई का लेंथ कितना 65, वो हमने लिख दिए। और अब ये पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करो, ये पूरे ब्रैकेट को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर में ये पूरे ब्रैकेट का आंसर आएगा 47.12 इंटू 10^6 प्लस, ये पूरे ब्रैकेट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा दैट इज 14.646 इंटू 10^6। ये आप कैलकुलेटर में सॉल्व करो, बिल्कुल 100% यही आंसर आएगा और आना ही चाहिए। और यहां पे अभी हमें यहां पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये देखिए ये जो हमने लिख के रखा है यही आंसर हम यहां लिख रहे हैं, ये देखिए ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरे ब्रैकेट का आंसर ये जो है ना, यही हमने यहां लिखा है, और ये पूरे ब्रैकेट का आंसर ये हमने यहां पे लिखा है, ठीक है। और अब ये दोनों का एडिशन बिल्कुल वही होगा जो हमने वहां लिखा है, दैट इज 61.766 इंटू 10^6। आप जो है कैलकुलेटर में इसको चेक कर लो, बिल्कुल यही आंसर आता है और आना ही चाहिए, तो ही समझ लो आपका पूरा सेंट्रोइड क्लियर है, आपने बिल्कुल सही फॉर्मूलेज लगाए हैं, एक भी नंबर अगर आपका ऊपर नीचे हो गया तो पूरा जो है आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइनली हमने आई एक्स यहां पे फाइंड आउट कर लिए, और अब आई वाई की बारी, बस आपको ये ब्रैकेट लिखना है। तो रेक्टेंगल में आई वाई क्या होता है, एच बी क्यूब बाई 12, यहां पे बी एच क्यूब बाई 12 था, इसको उल्टा करना है, तो यहां पे एच बी क्यूब बाई 12 हो जाएगा, तो 20 इंटू 120 क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस एरिया फिर से 2400 इंटू,
यहां पे अब हमें लेंथ लिखना है, और लेंथ क्या लिखेंगे, जब आप y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो x का लेंथ लिखते हैं, तो x कितना है 60 है, तो हम लिखेंगे 60 का स्क्वायर। तो ये पहला ब्रैकेट हो गया प्लस, अब दूसरा ब्रैकेट हम बनाएंगे। चलो देखेंगे दूसरे ब्रैकेट में, ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल में आई वाई क्या होगा, एच बी क्यूब बाई 12, यहां पर जो बी एच क्यूब बाई 12 है इसी को उल्टा करो, तो यहां पे उल्टा करेंगे तो 130 इंटू 20 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, बस यहां पे जो लिखा है इसको उल्टा कर दो तो ये बनेगा, यहां पे भी हमने इसको उल्टा किए तो ये बना। अब यहां पे एरिया 2600 वो तो वही रहेगा, बस यहां पे आपको x का लेंथ लिखना है, और यहां पे भी x 60 है, तो ये देखिए हमने यहां पे भी x लिखे और यहां पे भी x लिखे, क्योंकि आप y के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो y के लिए जब आप सॉल्व करते हैं तो x का लेंथ लिखना होता है, तो वो हमने लिख दिए। और अब ये पूरे ब्रैकेट का आंसर बिल्कुल वही आएगा जो हमने ये जो सॉल्व किए थे, 11.52 हमने 11.52 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस ये पूरे ब्रैकेट का आंसर आएगा 9.446 इंटू 10 टू द पावर 6, और दोनों को ऐड करेंगे तो 20.966 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। तो फाइनली शॉर्टकट मेथड से हमने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, और क्वेश्चन में जो कहा था कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, वो हमने फाइंड आउट कर लिए। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। उम्मीद करते हैं कि ये शॉर्टकट मेथड भी आपको समझ में आई होगी। फाइनली ये प्रॉब्लम को हमने दो मेथड से सॉल्व किए, पहले लॉन्ग कट मेथड से, फिर हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किए। एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज कर सकते हैं, अब ये पूरा चॉइस आपका है कि आपको एग्जाम में कौन से मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। आंसर हमेशा एक ही आता है और मार्क्स हमेशा उतने ही मिलते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।